जलंधर लोग सभा हलके की जिमनी चोण के नतीजे आ चुके ने अते जिला लोग संपर्क दफ्तर अते जिला चोण अधिकारी वालों बकायदा इस संबंधी अधिकारित नतीजे भी सांझे कर दिए गए हैं। वोटां के अंतिम अंकड़े जिहड़े ने सामने आ चुके ने। चोण नतीजे विच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू जेतू रहे अते कुल 3,02,279 वोटां लैके 58,691 वोटां दे फर्क नाल अपने नज़दीकी उम्मीदवार तो अगे रह के उन्हां जित हासिल की है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर कम रिटर्निंग ऑफिसर जसप्रीत सिंह ने जेतू उम्मीदवार नूं सर्टिफिकेट सौंपिया। दूजे नंबर उत्ते इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बीबी करमजीत कौर चौधरी 2,43,588 वोटां पईआं। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी तीजे नंबर उत्ते रहे जिन्हों 1,58,445 वोटां पईआं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल चौथे नंबर उत्ते रहे अते उन्हां 1,34,800 वोटां हासिल होईआं। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार गुरजंट सिंह कट्टू 20,366 वोटां प्राप्त होईआं। इस तों इलावा किसी भी उम्मीदवार नूं वोट ना पाउण वाले लोकी यानी नोटा की वरतों नूं 6,661 वोटां पईआं ने। वोटिंग मशीनां दे नाल नाल पोस्टल बैलेट यानी डाक राही प्राप्त हुई वोटां दी भी गिनती हुई अते कुल 540 पोस्टल बैलेट विचों आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार अते अखीर नूं जेतू रहे सुशील कुमार रिंकू नूं सब तो ज़्यादा 182 पोस्टल बैलेट मिले। जलंधर लोग सभा हल्के दे अधीन आउंदे वख-वख विधानसभा हल्कियां विच भी आम आदमी पार्टी ज़्यादातर हल्कियां विचों मोहरी साबित हुई अते अंत नूं इही चीज़ फैसलाकुन साबित हुंदी हुई आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार दी जित दा राह पधरा कर दी गई। अते इस तरह लंबे अरसे बाद कांग्रेस पार्टी नूं पिछे करदिआं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की गण मनी जाती इस सीट विच जित हासिल की है।